राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास में मकर संक्रांति की कथा। बंधुओं, मकर संक्रांति की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य धनवान हो जाते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को सुने। बंधुओं, मकर संक्रांति जो कि हर साल 14 जनवरी या 15 जनवरी को आती है। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, मकर संक्रांति को नए फल नए ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान दान और धर्म करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए कहा जाता है मकर में प्रवेश कर सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। पूर्व काल की बात है, राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। इसके बाद उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी ना की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती थी। अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्म परायण वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है, चकोर है, चार द्वार है, नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। तो उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है। अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फुटिक मणि है और हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लिखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा,
हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, उसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करता रहे। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु ना चुराना, मन से पर स्त्री या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना, इच्छा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण है। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य प्रोपकार करते रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडश उपचार से पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी भी पूजा करें। सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 से धन्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य हैं भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की पौड़ी भी दान दें। सुंदर बनी शैया भी दान में दें। फिर उस पर मुलायम गद्दा तकिया रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, पांचों कपड़े, 5 वस्त्र भी देने चाहिए। गोदान की समर्था हो तो श्वेत या लाल गायें मेरे लिए, काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तु सर्व साधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति भी दें तो बहुत अच्छी बात है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके पुत्र आदि कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता है, हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ किए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया, सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। बंधुओं, जिस घर में भी धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से सुना जाता है या पढ़ा जाता है, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं। और जो धर्मराज जी की कथा करने वाले हैं, वे यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते। वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो धर्मराज जी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।